कंपनी के एमडी राजेश अग्रवाल जी का। तो चलिए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनके प्रोडक्ट के बारे में। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं नीलू। आज हम बात कर रहे हैं इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड की और इसके एमडी राजेश अग्रवाल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले आपसे यही सवाल कि इंसेक्टिसाइड जो इंडिया लिमिटेड है किस तरह के प्रोडक्ट्स ये बनाती है? आज हम कई तरीके के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। हमारा ये ध्येय है कि जो नई टेक्नोलॉजी है अपने किसान के पास हम जल्दी से जल्दी कैसे ला सकते हैं, और किसान ट्रैक्टर ब्रांड पेस्टिसाइड्स को जो हमारा की ब्रांड है, ट्रैक्टर ब्रांड के नाम से हम अपने प्रोडक्ट बेचते हैं, उसको अच्छे से जानते हैं कि ये कंपनी इनोवेटिव नए जमाने के प्रोडक्ट्स देती है। राजू जी, इस वक्त जो प्रोडक्ट आपके मार्केट में है उनमें से कुछ नाम आपसे जानना चाहेंगे। हमारे बहुत से प्रोडक्ट्स ब्रांड लीडर्स हैं, लिथल, विक्टर, नुआन, मोनोसिल, हाईजेक, अभी हकामा, लोगो, गामा, सोफिया, एनकाउंटर, हरकुलिस। हमने हाल ही में एक नया प्रोडक्ट कायाकल्प लॉन्च किया पिछले साल, बहुत अच्छी कामयाबी मिल गई। इसमें हम बोलते हैं कि जो यूरिया आपने इतने सालों से डाला है वो सॉइल में पड़ा है, प्लांट को अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। अगर आप कायाकल्प का इस्तेमाल करते हैं तो उसी यूरिया और जो बाकी न्यूट्रिएंट्स आपके सॉइल में पड़े हुए हैं अनयूज्ड, उसको वो प्लांट तक लेकर जाते हैं। जिस तरह से आपने कहा कि रिसर्च भी इसमें आप लोग कर रहे हैं, जो किसान है वो आगे आपसे क्या उम्मीदें लगाए कि क्या कुछ निकल कर सामने आएगा अगर इंसेक्टिसाइड्स के साथ वो जुड़ेंगे तो? इंसेक्टिसाइड्स इंडिया का लक्ष्य है कि हमें प्रोडक्ट नहीं बेचना, हमें किसान को सॉल्यूशन देना है। तो हमारी कोशिश है कि हमारे देश के किसान को नई से नई टेक्नोलॉजी उचित प्राइस पर मिले, इसलिए हम अपने प्रोडक्ट्स को ट्रैक्टर ब्रांड के नाम से बेचते हैं, जिससे कि एक आसान पहचान, क्योंकि इतने सारे ब्रांड याद कर पाना बहुत मुश्किल है। आज 125 प्रोडक्ट हम लगभग बेच रहे हैं बाजार में, नए नए प्रोडक्ट ला रहे हैं। अगर इस साल की बात करता हूं तो लगभग 6 लॉन्चेस हमारे करंट ईयर में आ चुके हैं और बहुत अच्छे कामयाब हो रहे हैं। आगे आने वाले सालों में भी 6-7-8 लॉन्चेस पर एनम हमारे अगले सालों के लिए तैयार हैं। लगातार हम नई टेक्नोलॉजी किसानों के बीच में लेके जाएंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, उनको आरओआई दिखाएंगे कि एक रुपया आप इस प्रोडक्ट पे खर्चते हो तो उससे 5, 8, 10 कितने रुपए का आपको लाभ होता है, और नई टेक्नोलॉजी पे किसान को कन्वर्ट करेंगे। अपने देश में तो अपने चीजों को आप बेच रहे हैं, क्या अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी आप लोगों का अप्रोच है? और जैसा कि मैंने सुना कि कुछ जापानी कंपनीज के साथ भी आपका कोलैबोरेशन है, ये किस तरह का कोलैबोरेशन है, उसमें किस तरह से काम हो रहे हैं? हमारे पास 2 अमेरिकन कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन है और 3 जापानीज कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन। नई टेक्नोलॉजी का दाम ऐसा है जो कि किसान की पहुंच में है और किसान को हम प्रॉफिट दिखा सकते हैं तो किसान डाइवर्ट हो रहा है। जैविक के नाम पर बहुत सारी चीजें इस वक्त उत्पाद बाजार में हैं, तो कुछ आप इसको